हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेआर ब्लॉग। आज मैं आपको इंडिया गेट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इंडिया गेट दिल्ली में किस जगह पर स्थित है, इसे क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था और इंडिया गेट से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे। सो गाइज, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंडिया गेट हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है, जो स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है। जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जानने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। इसे 1931 में बनाया गया था, जो लगभग 42 मीटर ऊँचा है और लाल पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस स्मारक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बन गया है और जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई थी, जिसे बाद में यहां से हटा दिया गया। और जब 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मतिथि पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि यहाँ पर उनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने पर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों के बारे में जानने को मिलता है। यह इंडिया गेट देखने में बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय स्थल है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भवन से लगभग 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाले परेड को राष्ट्रपति भवन से निकाला जाता है और वहाँ से इंडिया गेट होते हुए लाल किला तक पहुँचते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। आपको इंडिया गेट पहुंचने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आना होगा, जहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी होती है। वहां से आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। सो गाइस, वीडियो करते हैं पर समाप्त। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं ऐसे नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।